वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। और ये एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेजेस पे काम करता है। इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जैसे कि ये सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें कौन कौन सी कॉइल्स यूज़ होती हैं जैसे कि ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, और इनमें शंट कॉइल, अंडर वोल्टेज कॉइल का क्या मीनिंग होता है। ACB के कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में बात की है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात की है, वोल्टेजेस लेवल और करंट रेटिंग क्या क्या होनी चाहिए, और कौन कौन से फॉल्ट से ये ACB प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एन ACB ब्रेकर वर्क। ACB की वर्किंग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर काम क्या करते हैं। देखिए, सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम में कोई ओपन या क्लोज की कंडीशन होती है, फॉल्ट की कंडीशन होती है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर सिस्टम को, सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे इक्विपमेंट को सेव कर देता है या फिर सिस्टम को सेव कर देता है। तो जब भी फॉल्ट की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है और उसी के साथ साथ हमारी इनिशिएट होती है आर्क। अब देखिए, इस आर्क को क्या करना पड़ता है, क्वेंच करना पड़ता है, मतलब कि इसको डिसिपेट करना पड़ता है, और उसके लिए ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेकर यूज़ होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये क्या करता है, डिपेंड करता है आपके वोल्टेज लेवल पे कि आप कितने वोल्टेज पे आप काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम ब्रेकर को चूज़ करते हैं। जैसे कि ये 1 kV तक यूज़ होता है, उसके बाद हमारा 35 kV तक हम यूज़ करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और उसके ऊपर हम SF6 को यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस आर को क्वेंच करना। जैसे कि हमने एयर सर्किट ब्रेकर का नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एयर को यूज़ किया है हमने आर को क्वेंच करने के लिए, स्टैटिक एयर मतलब कि जो वहाँ प्रेजेंट होती है। अब देखिए, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला होता है डिवाइड एंड रूल। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम चीज़ों को डिवाइड करते तो उसमें वो ताकत नहीं रह जाती है, ऐसे ही हम इसमें आर को स्प्लिट करते हैं और उसमें वो ताकत नहीं रह जाती, इसलिए वो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। वो कैसे होता है, जब हम आर्क को स्प्लिट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है। जो भी हमने मीडियम लिया है जैसे कि आर्क शूट रनर्स और स्प्लिटर्स, क्या करते हैं, इसको आर्क को एक्सटिंग्विश कर देते हैं बाय स्प्लिटिंग एंड कूलिंग एंड लेंथनिंग दी आर्क। देखिए, जब भी कोई फॉल्ट की कंडीशन आती है तो वो जो आर्क है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे आर्क शूट्स में, इसको हम बोलते हैं आर्क शूट्स। देखिए, ये होते हैं आर्क शूट्स जो कि हमारे सर्किट ब्रेकर के टॉप में लगे होते हैं, यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आर्क शूट्स लगे होते हैं 3 अलग अलग पोल में अलग अलग फेजेस के लिए। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आर्क को कैसे एक्सटिंग्विश करता है, तो एक्सटिंग्विश करने के लिए उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। जब भी हमारा हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बनता है सिस्टम में तो उसको सबसे पहले इंटरप्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारा आर्क है उसको भेजते हैं हम एक चैम्बर में जिसको हम बोलते हैं आर्क शूट चैम्बर्स। देखिए, ये जो है आर्क शूट चैम्बर है, इसको हम भेजते हैं इसमें आर्क को, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे ये होते हैं आर्क रनर जो कि हमारे आर्क को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा स्टेप होता है लेंथनिंग द आर्क, मतलब कि आर्क की लेंथ को इनक्रीज करते हैं दूसरे स्टेप में। और जो तीसरा स्टेप होता है, स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और इसी को हम बोलते हैं आर्क स्प्लिटर्स। ओके, अब क्या होता है, इसमें हर एक जो कंपार्टमेंट बना है इसमें, ये एक्ट करता है एज अ इंडिविजुअल आर्क शूट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग तो उसमें वो इंटेंसिटी नहीं रह गई आर्क में, तो जिससे कि हमारे इक्विपमेंट को वो हार्म कर सके, धीरे धीरे जब एयर की हेल्प से क्या होता है, ये आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉइल्स यूज इन ACB। देखिए, इसमें 3 कॉइल यूज होती हैं, इसको हम बोलते हैं शंट ट्रिप कॉइल, UV मतलब अंडर वोल्टेज कॉइल, और ये होती है हमारी क्लोजिंग कॉइल जैसे कि हमारे सारे ब्रेकर्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोजिंग कॉइल, शंट कॉइल एंड अंडर वोल्टेज कॉइल। में भी लिखा हुआ है कि ये ट्रिप कॉइल है। ओके, अब ये क्या करती है, जब भी हमारे सिस्टम में कहीं भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो ये रिमोट में ही इसको कमांड आती है हमारे ट्रिपिंग कॉइल को, और ये ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट होती है, और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकर को ओपन कर देते हैं, और यही काम होता है। जो प्रोटेक्टिव रिले हमने इस ब्रेकर में यूज़ की होती है उसके थ्रू क्या होता है, रिमोट में ही इसको शंट कॉइल को कमांड जाता है, और ये क्या करता है, हमारे ब्रेकर को ओपन कर देता है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में। ये कभी भी अगर वोल्टेज लेवल किसी भी एक जो हमने प्री डिफाइंड वैल्यू है अगर उससे नीचे जाता है तो वो इस सिस्टम को वहीं का वहीं रोक देता है और ब्रेकर को क्लोज नहीं होने देता है, जिससे कि हमारे ब्रेकर में हार्म ना हो।
और ये तब तक नहीं होने देगा जब तक हमारा वोल्टेज लेवल अचीव नहीं हो जाता है। तीसरी कॉइल है क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग कॉइल का काम यही है कि जब भी हमारे सिस्टम में हम ब्रेकर को क्लोज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे इस कॉइल को सप्लाई जाती है, और ये क्लोजिंग कॉइल जो है हमारे कॉइल को एनर्जाइज करके कॉन्टैक्ट्स को चेंज करके हमारे ब्रेकर को क्लोज कर देती है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ACB। देखिए एयर सर्किट ब्रेकर कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए इसमें जो हमने तीन कॉइल्स की बात करी है तो ये है हमारी अंडर वोल्टेज कॉइल, यहाँ लगी हुई है। एक है हमारी क्लोजिंग कॉइल जो कि लगी हुई है यहाँ पर, और तीसरी हमारी शंट रिलीज कॉइल जो कि यहाँ कहीं कॉन्टैक्ट्स जो हमने यूज़ किए होते हैं। एक हमारा सेकेंडरी, यहाँ पे भी हमारी एक TV होती है जिसमें हमारी कंट्रोल की वायरिंग होती है। यहाँ टॉप में लगा होता है आर्क शूट, ये होता है हमारा इंटेलिजेंट कंट्रोलर, मतलब कि जो हमारी प्रोटेक्टिव रिले की मैं बात कर रहा था। ओके, ये इसकी मेन बॉडी होती है, फ्रंट कवर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा, जो कि हम क्लोजिंग या ट्रिपिंग होती है यहाँ पे मैकेनिकली हम ये ऑपरेट होता है यहाँ पर कमांड के थ्रू। और ये होता है हैंडल जो जिससे हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, और ये होता है मोटर ड्राइव एंड एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म, मतलब कि जब ब्रेकर क्लोज या ओपन होता है तो यहाँ से ही नीचे, ये नीचे लगा होता है पूरे यहाँ बेस में। ओके, तो यहाँ से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ये आर्क शूट्स हैं जो कि हमारे ऊपर टॉप में लगे होते हैं, लगे हुए ये होते हैं स्प्लिटर्स। ओके, तो ये आर्क जो है इसमें अलग अलग एंटर होती है स्प्लिटर्स में, और हर एक चैम्बर में अलग अलग इंडिविजुअली आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। ब्रेकिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जब हमारे सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट की कंडीशन आती है तो वो लेवल कहाँ तक पहुँचता है, तो इसका आंसर है 800 एम्पियर से लेकर के 10 किलो एम्प्स तक। ओके, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है बियर करके हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देती है किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में, चाहे वो ओवर करंट हो चाहे वो आपका ग्राउंड फॉल्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वोल्टेज लेवल एंड रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। अब देखिए जैसा भी डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज लेवल होता है इसमें 1 KV तक हम एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं AC के केस में, और मेनली क्या होता है हमारा 3-phase सिस्टम होता है 415 वोल्ट, तो ज़्यादातर जो है इसी वोल्टेज पे ही हम इसको एयर सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। ओके, और जो इसका करंट रेंज है वो होता है 630 एम्पियर, मतलब 600 एम्पियर्स तक एयर सर्किट ब्रेकर। प्रोटेक्शंस आर इंक्लूडेड इन ACB। देखिए कॉमनली क्या होता है लार्ज सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में यूज़ करते हैं, और ये कौन कौन से हमारे फॉल्ट से प्रोवाइड कर सकते हैं, कैन प्रिवेंट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, लीकेज प्रोटेक्शन, रिमोट कंट्रोल एंड अदर इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रेकर्स। मतलब कि जो भी हमारे मेन फॉल्ट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये क्या करते हैं अदर हमारे जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं उनको भी ये सेव करते हैं सिस्टम में। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा।